मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन टीम में जगह बनाने का आपका रास्ता जरूर एक क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप इंडियन टीम में पहुंच सकते हैं। पर आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आप इसमें दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। हेलो दोस्तों, तो मैं अंकुश ठाकुर आ गया फिर चैनल द फुटबॉल क्लासरूम में एक और वीडियो को लेकर, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है अपने पैशन को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन टीम को फुटबॉल में रिप्रेजेंट करने का तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें आप लोग को न केवल एक रास्ता बताऊंगा जिससे आप इंडियन टीम में जगह बना सकते हैं, पर मैं आपको उसे अचीव करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आपको उसे अचीव करने में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी पर आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, लेट्स रोल। तो दोस्तों, अकेडमी में खेलने ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप में होना चाहिए उस लेवल का स्किल और उस लेवल के डेडिकेशन जो आपको अपने ड्रीम की तरफ बढ़ाते जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उस लेवल पे खेलना है तो आपको अपना गेम भी उसी लेवल पे लाना पड़ेगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको एक सिलेक्शन प्रोसीजर, जो AIFF जो हमारी फुटबॉल इंडिया की गवर्निंग बॉडी है उसका एक प्रोसीजर है। पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस रास्ते पे आपको चलना है जिससे आप अपने ड्रीम को ठीक से अचीव कर पाए। तो दोस्तों, इंडियन टीम में खेलने से पहले आपको नेशनल टीम का कैंप लगाना पड़ता है जो कि एक सिलेक्शन के थ्रू होता है। तो सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, डिफरेंट लेवल्स पे जैसे कि सब जूनियर, जूनियर, सीनियर लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इसके लिए आपको उसमें सेलेक्ट होना पड़ता है और आपको उसमें परफॉर्म करना होता है। इसमें मौजूद होते हैं कुछ स्काउट्स, जैसे कि AIFF के स्काउट्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, पहली एडवाइस तो मेरी तरफ से आपको ये है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको उन टूर्नामेंट में कुछ ऐसा परफॉर्म करना है जो आउटस्टैंडिंग हो और स्काउट्स की नजर आप पे पड़े और आपको वो पहली नजर में सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, नेशनल कैंप लगाना इतना भी आसान नहीं है। जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट स्काउट्स हेड कोचेस को भेजते हैं, अब हेड कोचेस पे डिपेंड करता है कि वो उनका ट्रायल लेंगे या डायरेक्टली उनको कैंप में जाने का मौका दे देंगे। तो दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि कोचेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप कोचेस की रिक्वायरमेंट किसी ट्रायल बेसिस पे अगर आप उनको इम्प्रेस कर देते हैं तो आप अपने कैंप को कंटिन्यू कर पाएंगे और आपके लिए आगे रास्ता साफ है। तो इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर कोच को लगता है कि आप रेडी हैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने में तो वो आपको प्रमोट कर देंगे और आपको इंडियन टीम में खेलने का चांस भी मिल सकता है। टूर्नामेंट जैसे इंडियन सुपर लीग, आई लीग, आई लीग सेकंड डिवीजन, संतोष ट्रॉफी, इंडियन यूनिवर्सिटी, इन टूर्नामेंट्स में भी स्काउट्स मौजूद होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी है और ट्राई करना है कि आप इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करें जिससे कि स्काउट्स की नजर आप पे पड़े और वो आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट कर दे और आपकी लिस्ट भी हेड कोच के पास भेज दे जिससे कि आपको भी इन्वाइट मिल सके इंडियन नेशनल कैंप को लगाने का। दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आप कैसे कैसे इंडियन टीम तक पहुंच सकते हैं या फिर इंडियन टीम तक पहुंचने के रास्ते कैसे हैं, पर दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रैक्टिकली अचीव कैसे करना है, यही सबका सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको सिलेक्ट होना है अपने स्कूल की टीम में, अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में। तो दोस्तों, कैसे आपको इसमें सिलेक्ट होना है, आपको पता करना है ट्रायल्स का, जो कि आपको पता लगेगा अपने स्पोर्ट्स टीचर्स, अपने दोस्तों के थ्रू, जिन दोस्तों के साथ आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हो, आप उनसे अच्छी बातचीत करिए, आप उनको बोलिए कि कोई भी ट्रायल हो तो आप उसको उसके बारे में आपको जरूर बताएं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी और आप उन ट्रायल्स में सही टाइम पे पहुंच जाएंगे और आप उसमें सेलेक्ट होकर उस टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने कोचेस से भी ठीक ठाक बातचीत रखनी है और आपको उनको अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रेस करना है। अगर आपके कोचेस नहीं है तो आपको अपने स्कूल टीचर्स से अच्छे कॉन्टैक्ट में रहना है जिससे वो आपको बता पाए कि कोई ट्रायल्स कहाँ होने वाले हैं और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहे। दोस्तों, आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम में सिलेक्ट हो गए हो तो आपको वहां उस लेवल के टूर्नामेंट में खेलकर अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि वहां पर भी स्काउट्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। वो आपका गेम देखकर आपका नाम रिकमेंड कर सकते हैं अगले लेवल के लिए जो कि है स्टेट लेवल। तो आपको स्टेट लेवल पे भी कुछ इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करना है और वहां के स्काउट्स आपको रिकमेंड कर देंगे ऊपर के लेवल, यानी कि अपने जो भी स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल की टीम से खेल सकते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र की टीम में खेल सकते हैं, अगर आप राजस्थान में खेल रहे हैं तो आप राजस्थान की टीम से भी खेल सकते हैं और आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाके खेलने का मौका मिल सकता है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप अलग अलग स्टेट्स में खेल रहे हैं आपको उन स्टेट्स के कोचेस, अलग अलग प्लेयर्स से आपको बातचीत बनानी है, आपको अपना कनेक्शन बताना है और आपको उनको बोलना है कि अगर जो भी टूर्नामेंट या फिर ट्रायल्स होते हैं टीम्स के, आपको उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको उनको बोलना है कि आप मुझे जरूर कांटेक्ट करें, आपको उनका नंबर ले लेना है, आपको उनको बोलना है कि आप जरूर बताएं ट्रायल्स के बारे में और जब भी वो ट्रायल्स हो आपको वहां पहुंच जाना है ट्रायल्स देने में और आपको उन टूर्नामेंट को खेलना है। सारे टूर्नामेंट्स में इतनी सारी जगह में खेलने के बाद आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाएगा, तो आप रेडी हैं आप एक प्रोफेशनल क्लब के लिए या फिर प्रोफेशनल अकेडमी के लिए ट्रायल्स देने में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ISL क्लब, कुछ आई लीग क्लब्स जैसे कि बेंगलुरु FC, चर्चिल ब्रदर्स, ऐसी टीम्स के कुछ ना कुछ अकेडमी जरूर होते हैं जिसमें आप ट्रायल देके उस टीम के कॉन्टैक्ट में आप आ सकते हैं, जिससे आप उनकी जूनियर लेवल टीम्स में खेल सकते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म करने के बाद आप इनकी सीनियर लेवल टीम्स में भी प्रमोट हो सकते हैं।
साथ ही आप इन क्लब्स और टीम्स को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनर्वा पंजाब एफसी जो कि एक बहुत अच्छा आई लीग क्लब है, आप उसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, आपको उसको ज्वाइन करने का ऑप्शन उसकी वेबसाइट पर मिल सकता है, जिसमें आप जाके उसके ट्रायल्स के डेट्स को देख सकते हैं और आप उस टीम में खेल भी सकते हैं। आपको उस टीम को का सिलेक्शन क्लियर करना पड़ेगा और आपको उस टीम में जगह बना सकते हैं। दोस्तों इंडियन यंग टैलेंट अनिरुद्ध थापा जो इंडियन टीम के नंबर 7 भी हैं और एक बहुत अच्छे मिडफील्डर हैं, वो भी मिनर्वा पंजाब एफसी से ही खेलकर इस लेवल तक आज पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी प्रोफेशनल एकेडमीज का ट्रायल टाइम टू टाइम देते रहें और आप रिजेक्शन से बिल्कुल ना घबराएं। अगर एक बार आप रिजेक्ट होंगे तो कोई बात नहीं, दो बार रिजेक्ट होंगे कोई बात नहीं, आपको अपनी गोल की तरफ मोटिवेटेड रहना है और उसकी तरफ आपको बढ़ते जाना है। बार बार रिजेक्ट होंगे पर एक दिन जरूर आएगा जब आप सेलेक्ट होंगे और आप इसमें अच्छा परफॉर्म करके अपने गोल तक जरूर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा एक और रास्ता है एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का। कुछ बड़े इंटरनेशनल क्लब्स जैसे कि एफसी बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, पेरिस सेंट जर्मेन या और बोका जूनियर्स, इनकी अकेडमीज इंडिया में खुल चुकी हैं। अगर आप इनका ट्रायल देकर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है यूरोप में या फिर और कंट्रीज में जाके खेलने का, और ये अपने अच्छे परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को भेजते भी हैं उस लेवल पे कम्पीट करने के लिए। पर दोस्तों जितना सुनने में ये अच्छा लग रहा है, इसको अचीव करना उतना ही मुश्किल है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप उतना ही अच्छा हार्ड वर्क करके इस लेवल पे अचीव करें और एक ना एक दिन अपने अपने कंट्री के लिए जरूर खेले और उस लेवल पे इंडिया को लेके जाए कि वो भी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा सके और एक दिन वर्ल्ड कप में हम अपनी टीम को जरूर देखें। मैं जरूर चाहता था कि मैं आपको कुछ और प्रोफेशनल क्लब्स के बारे में बता पाता, पर इसकी वजह से ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी ट्रायल्स रिलेटेड इशू होगा तो आप मेरे को सीधा वहां पे मैसेज करना, मैं आपका जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आई होगी, और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप और भी स्किल्स सीखे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पीस आउट।